नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। हम सबको स्वास्थ्य के बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मालूम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मानसिक तकलीफों को इस स्वास्थ्य के बीमा में शामिल करा जाता है या नहीं? क्या इसके बारे में हमारे देश में कोई कानूनी प्रावधान मौजूद है या कोई दिशा निर्देश है हमारे पास? आइए इस वीडियो में इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया में 75% यानी 75% देश ऐसे हैं जो कि कम आमदनी वाले देश हैं और यहाँ मानसिक बीमारियों के सही इलाज मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद हैं भी तो ज़्यादातर आबादी ऐसी है जो कि सही इलाज या सही ध्यान का लाभ नहीं उठा पाती। 1990 के दशक से यूएन की कन्वेंशन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी CPRD 2008 में भी कई सुधार आए हैं इस बारे में। इसे ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट था कि कई देशों में मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता के कानूनों में आधुनिक यानी मॉडर्न बदलावों की जरूरत है। इस वजह से भारत में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016 और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लाए गए। ज्यादातर लोगों को इन कानूनों के बारे में जानकारी भी नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई भी मानसिक तकलीफ है या आपको मानसिक मदद की ज़रूरत है तो आपने खुद ही देखा होगा कि एक बार भी डॉक्टर के पास जाने में या थेरेपी या चिकित्सा प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा खर्चा है। इसलिए आम लोग कभी उस सुविधा का फ़ायदा तक नहीं ले पाते, फ़ायदा भी नहीं उठा पाते या जानकारी होने के बाद भी डॉक्टर के पास सही इलाज कराने के लिए नहीं जाते। यहाँ पर आता है हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य के बीमा का जिक्र। स्वास्थ्य बीमा को उस बीमा की तरह देखा जाता है जो किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य के संदर्भ में उनके भविष्य के खर्चों में किसी भी नुकसान के वक्त एक वित्तीय यानी फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, उसका मोटा खर्चा हुआ, लेकिन उसके पास अच्छा स्वास्थ्य बीमा था और इस वजह से उसे फाइनेंशियल सुरक्षा प्राप्त हुई। अब ये बीमा सरकार दे सकती है, यानी आपकी स्टेट या राज्य भी आपको दे सकता है, या फिर ये व्यक्तिगत यानी प्राइवेट बीमा भी हो सकता है, और इस वजह से कितने लोगों तक मानसिक बीमारियों का उपचार या सही इलाज पहुंच सकता है वो बहुत हद तक सही बीमा यानी सही इंश्योरेंस पॉलिसी पर निर्भर करता है। मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य की नीतियों में शामिल करने का पहला कदम भारत में 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा उठाया गया था, जिसमें उन्होंने एक विशेष बैठक यानी मीटिंग करी थी सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की, जिसमें कहा गया था कि मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए उसे बीमा का एक हिस्सा मानना चाहिए ताकि मानसिक तकलीफों से गुजर रहे लोगों को भी एक तरह से राहत मिले। उसको बाद में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का पहला प्रारूप यानी पहला ड्राफ्ट 2013 में लाया गया, जिसमें सरकारी और व्यक्तिगत इंश्योरेंस यानी बीमा में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करने की बात पर जोर दिया गया, और इसके बाद 2017 में दी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को लाया गया। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की योजना के तहत मानसिक बीमारियों और तकलीफों को बीमा में शामिल करना अनिवार्य यानी इम्पोर्टेंट कर दिया है। अधिनियम की धारा 21 सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि ये एक सरकारी और व्यक्तिगत दोनों ही तरह की बीमा पॉलिसियों के लिए ज़रूरी है कि वो मानसिक तकलीफ़ों को पॉलिसी में शामिल करें और उनके इलाज का प्रावधान भी उस पॉलिसी में रखें। इसका मतलब है कि अब किसी पॉलिसी को अगर कोई लेता है तो उसे इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर इलाज से मना नहीं करना पड़ेगा मेंटल प्रॉब्लम्स के वक्त, वो पॉलिसी की मदद से सही मदद प्राप्त कर सकता है। अब हम तीन तरह की हेल्थ पॉलिसीज यानी तीन तरह की स्वास्थ्य बीमा नीतियों की बात यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि हैं प्राइवेट यानी व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, पब्लिक यानी सार्वजनिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और मेडिक्लेम पॉलिसी। प्राइवेट स्कीम में एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बीमा प्रदान किया जाता है, जहां बीमा कराने वाला व्यक्ति हर कुछ समय पर कोई तय करी गई धनराशि जमा कराता है, और जब कोई स्वास्थ्य की तकलीफ उसे हो जाती है तो वो उस धनराशि की वजह से उसे इस्तेमाल कर सकता है। पब्लिक स्कीम में सरकार बीमा योजनाएं बनाती है और ज़रूरतमंद लोगों के लिए उसे बनाया जाता है, जहां कोई प्रीमियम यानी धनराशि भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके उदाहरण हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और आम आदमी बीमा योजना। और अब आते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी पे। मेडिक्लेम पॉलिसी को 1986 में शुरू किया गया था। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से गुजरता है या दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो उसका खर्चा इस पॉलिसी में उठाया जाता है। इसमें जो प्रीमियम यानी धनराशि है उसे टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स से छूट मिली हुई है।
अब इसके बाद एक मामला भी है अदालत में जो आया था दिल्ली हाई कोर्ट में, शिक्षा निश्चल वर्सेस NICL 2021। ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक मामला था जिसमें ये कहा गया था, ये फैसला कहा था कि सभी बीमा कंपनियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रावधानों को अपने दायरे में शामिल करना चाहिए और उन्हें किसी भी मानसिक विकार या बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सभी खर्चे देने चाहिए, उनका सारा खर्चा उठाना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।